ब्लॉकबस्टर वेब सीरीज मनी हिस्ट को तो आपने देखा ही होगा, लेकिन भाई लोग आज मैं आपको मिलवाने वाला हूँ मनी हिस्ट में आवाज देने वाले हमारे भारतीय कलाकारों से, जिन्होंने मनी हिस्ट के सीजन 3, 4 और 5 में आवाज दी। तो बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं वीडियो की। च्युइंगम जो जेली टाइप में आती है छोटी सी, पता है ना? मेरे हार्मोन्स फट के बाहर आने के लिए तैयार है, लेकिन मुझे थोड़ी अच्छी और मर्यादा वाली औरत देखना है प्रोफेसर से बात करते वक्त। मैं कर्नल टमायो इंटेलिजेंस से और यह ऑपरेशन मैं देख रहा हूँ, लेकिन सबसे पहले मुझे वो हरामी नंबर 1 यहाँ चाहिए। अलिसिया सियारा को बुला। ये जो दीवारें हैं वो 70 सेंटीमीटर चौड़ी हैं और रीइंफोर्स्ड कंक्रीट की बनी है। ये समंदर के बीचों बीच किसी सबमरीन में चीखने जैसा है। सुनिए कर्नल, अंदर कत्ले आम होने वाला है। मुझे ऐसे लोग चाहिए जो गोली चलाने से पहले ये ना पूछे कि मास्क के पीछे कौन है। मैं इस डकैती को लेकर बहुत परेशान था सर, तो मैं सुबह जल्दी उठ गया क्योंकि मैं रात भर सो ही नहीं पाया। तो हम आपको यहाँ से एक सुरक्षित जगह ले जाएंगे। आपको रास्ता दिखाएंगे मेरे साथी और आपके गाइड हेलसिंकी और स्टॉकहोम। तो चलो सब आगे बढ़ो। मेरा नाम बोगोता है। यहाँ सबसे मुश्किल काम हमारा होगा। हमें लगभग 65 डिग्री टेम्परेचर में काम करना होगा। समझ लेना, तुम्हारा नर्क यहीं मिल गया है। जब मैं 5 साल की थी, मैं अपने पापा के पास गई और बोली, पापा मैं एक लड़की हूँ। उन्होंने सीरियस चेहरा बनाकर मुझसे कहा, देख हुआन, तू एक मर्द है और मर्द लड़की नहीं होते। गाँव के लड़कों को आपस में वॉर करना पसंद था, और फिर वो कुछ वक्त बाद बोर हो गए क्योंकि उनके पास कोई दुश्मन ही नहीं था। आपने बिल्कुल सही कहा पापा, जो बीत गई सो बात गई, तो बीते कल में जीने का कोई फायदा नहीं, आगे बढ़ना ही हमारे लिए सही रहेगा। ये आज तक के सबसे बड़े वाइकिंग के खजाने के हूबहू नकल है, और तुम्हें ये भी बता दूं कि ये सब के सब पीतल के बने हैं। अगर ऑगस्टिन मॉस्को को तुम पर भरोसा था तो मुझे अपना दोस्त समझो। होली आज जो है वहां तक पहुंचने के लिए उसने लंबा सफर तय किया है, उसने अब जीना शुरू किया है। तुमने मुझे बेहोश किया, तुमने मुझे ट्रैंक्विलाइजर्स दी, मुझे जरूरत से ज्यादा डोज दिया और मैं बेहोश हो गई। पर बेहोश होने से पहले मैंने तुमको अपने करीब महसूस किया। तुम्हें अंदाजा भी है कि तुम क्या कर रहे हो? जैसे ही मैं डोर को टच करूंगा, कुछ ही मिनटों में सिक्योरिटी सिस्टम वहां बाढ़ ला देगी। तुम अमेंडा हो ना? मैं तुम जानती हो मुझे, तुम्हारा टिफिन फेंका था मैंने, याद है तुम्हें? यहाँ कोई पहाड़ नहीं है, ना ही बर्फ। तुम्हें लगता है मैं बेवकूफ हूँ? मैं जानता हूँ तुम कौन हो। रकेल मुरियो। तुमको लगता है ये कोई गेम है इंस्पेक्टर? तुम एक पुलिस ऑफिसर हो, मैंने टीवी पर देखा, इसलिए तुम गोली नहीं चला सकती, पर मैं बिल्कुल चला। तो भाई लोग, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना मेरे दोस्त।